हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिठा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिठे बनाने के लिए सबसे पहले आपको मावा लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मावा लिया है। चीनी लेनी है, तिल लेने हैं और मूंगफली लेनी है। मूंगफली और तिल को आपको रोस्ट कर लेना है और चीनी को आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेनी है। और आपको 1 कटोरी चावल का आटा लेना है। सबसे पहले मैं मूंगफली को रोस्ट करूंगी। आपको मूंगफली को 2 सेकंड तक रोस्ट कर लेना है। अब मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। तिल को भी रोस्ट कर लेना है। तिल को भी आपको 1 सेकंड तक रोस्ट कर लेनी है और इसे इसी तरीके से चलाते रहना है। अब तिल रोस्ट हो चुकी है, हम इसे निकाल देंगे। मसाले तैयार कर लेने हैं, तो उसके लिए मैंने मावा लिया है। अब इसमें किसी भी चीनी को डालना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीनी ऐड करना, नहीं तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। उसके बाद इसमें मूंगफली डालनी है, जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें तिल डालेंगे, जो मैंने रोस्ट कर लिया है। अब आपको इसे मिक्स करना है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है। आप देख सकते हो, मैंने मावे में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दिए हैं। आटा तैयार करना है, उसके लिए आपको चावल का आटा लेना है। मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। उसके बाद आपको इसे गूंथना है। बॉयल बैटर से आपको इसे आटा तैयार करना है इसका। और इसे इसी तरीके से मिलाते जाना है। आप देख सकते हो, आटा एकदम रेडी हो चुका है। अब इसका लोई तैयार करना है। आप देख सकते हो, आपको इसी तरीके से लोई तैयार करना है। अब इसमें मसाले डालने। आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपको पीठे में मसाले को भर देना है और इसकी लोई तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपको दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देना है। आप देख सकते हो, मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है और इसे मैं गर्म होने के लिए चढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें पिठे को डालना है। डालने के बाद आपको इसे पकाना है। अब आपको इसे 10 मिनट तक पका लेना है। अब इसमें पिसी हुई इलायची डालनी है। इलायची डालने के बाद आपको इसे चलाना है। अब हम इसमें
चीनी डालेंगे। आपको इसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी लेनी है। चीनी डालने के बाद आपको इसे मिला लेना है। इसे आपको 1 मिनट तक और पका लेना है। दस मिनट हो चुका है और पीठा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। आप देख सकते हो पिट्ठा बनकर एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। फ्रेंड्स, आप इसे पक्का ट्राई करना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।